हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और साथ ही मेरा आज का ये वीडियो जरूर देख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम और छोटे बच्चों को ढेर सारा प्यार। मेरा नाम है संगीता और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले से और स्वागत करती हूँ आपका अपनी नई वीडियो में। और नई वीडियो की शुरुआत नए दिन के साथ, और नई वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह 10 बजे से, और शुरुआत कर रही हूँ मैं अपनी दुकान से। और आज के मौसम की बात की जाए तो मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। 3 दिन की लगातार बारिश के बाद आज काफ़ी अच्छी धूप खिली है और मौसम में इतनी अच्छी राहत है और लोगों में भी, क्योंकि बहुत दिन 3 दिन के बाद हमने धूप देखी है। लगातार 3 दिन तक बहुत बारिश हुई और सारी जगह हुई होगी, तो आज काफ़ी अच्छी धूप है। और आज हमारी तैयारी हो रही है या दूसरे गांव में जाने की, वहाँ पे मंदिर है माता का, तो माता रानी के मंदिर में जा रहे हैं। और कल मेरी दीदी भी आ रखी है, और दीदी, मैं और मेरी सास जा रखी है, और भी लोग जाएंगे शायद, लेकिन घर से मैं और मेरी सास और मेरी दीदी जा रखी है। और मेरी सासू जी जा रखी है अभी स्कूल में, जैसे मैंने आपको बताया था वो है भोजन माता, तो अभी वो खाना बनाने जा रखी है स्कूल में, और तब फिर जल्दी बना के आएँगी और फिर हम तीनों जाएँगे। और दीदी ना बाहर पर धूप सेक रही है और मैं अंदर में बैठी हूँ, से भी मिलाती हूँ आपको और साथ ही यहाँ का मौसम भी दिखाती हूँ। तो अच्छी धूप खिली है भैया आज। हमारी गाड़ी भी हो गई है जाने के लिए तैयार और सवारी भी। हाँ। ना। आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। जंगल का रास्ता है देखो आप, तू ही तू है, तू ही तू है। 1 2 3 दादी, आपको देर क्यों हुई? हमको देर ऐसे हुई, हमने घर का काम किया। ना दादा ने क्या किया? दादा का नाम मत लियो, अभी दादा मत थोड़ा ये वीडियो। दादा लड़ाई करना आज? अच्छा दादा के नाम बोलिया। तो ना अभी हम मंदिर जा रहे हैं और रास्ते में हो रहा है इनका अभी थोड़ा विश्राम, यहाँ तक हम गाड़ी में आए और अब थोड़ा पैदल चलते हैं। अभी ना हम मंदिर के पीछे वाले हिस्से में आ रखे हैं और यहाँ पे देखो टेंट वगैरह सुखाने के लिए रखे हैं, क्योंकि आज पूजा का आखिरी दिन है। और यहाँ पे जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो शायद खाना बना रहे हैं।
देखो कितना घना जंगल है यहाँ, आप देख सकते हो। अभी ना हम जागधार जा रहे हैं और कोई गाड़ी नहीं मिल रही, यहाँ देखो पैदल जा रहे हैं सारे, अरे पैदल यात्री ये है। और अभी ना थोड़ा सा गाड़ी मिली तो किराया इन्होंने दिया 50 रुपए, वो भी सड़ा हुआ नोट दिया वो ड्राइवर को। अब ड्राइवर अभी आता है इनको ढूंढते ढूंढते। जागधार हम पहुंचने ही वाले हैं और आप देख सकते हैं रास्ते में छोटे छोटे हट बना रखे हैं ये यात्रा के पर्पस के लिए, जब केदारनाथ की यात्रा शुरू होगी तो यात्रियों के लिए। हालत खराब हो गई है हमारी पैदल जाते जाते, पर अभी जागधार का मंदिर नहीं आया। बड़ी मुश्किल से पहुंच गए भाई हम मंदिर। ये है नवोदय विद्यालय, जागधार का नवोदय विद्यालय है ये, और यहाँ पर है मंदिर। और यहाँ पे ना गाड़ी भी आ गई है और अब हम गाड़ी में चलते हैं।